हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में अम्ब्रेला गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। पहले गाउन के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। मैंने हाफ़ मीटर का प्रिंटेड ब्रोकेट फैब्रिक लिया है। अब इसको ओपन करेंगे और इसको टू लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को टू लेयर में फोल्ड कर लिया है, ये ओपन साइड है। अब इसको फोर लेयर में फोल्ड करेंगे। लेंथ 16 इंच पर मार्किंग करेंगे, दूसरी साइड भी 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक इंच एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन के लिए, दोनों साइड सिलाई में जाएगा। अब यहां से इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे, शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग करेंगे, आर्म होल भी सेम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कॉर्नर पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। आर्म होल से अंदर की तरफ हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे और फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। दोनों आर्म होल की मार्किंग कर ली है, फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 32 इंच तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। कमर की फिटिंग 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मार्किंग से आगे की तरफ 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे, दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले बैक वाले आर्म होल से इसकी कटिंग करेंगे, बाद में फ्रंट वाले पार्ट को अलग करेंगे और उसके आर्म होल से कटिंग कर देंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। साइड में दोनों फैब्रिक के बीच में ज्वाइंट आ गया है, ज्वाइंट आ गया, इसको कट कर देंगे। दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। इसमें बैक वाले पार्ट को अलग करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे और उसके आर्म होल से कटिंग कर देंगे। नेक विड 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, शोल्डर की ओपन साइड से हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे, दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। अब बोट नेक की कटिंग करेंगे, सेम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, नेक लेंथ 4 इंच पर मार्किंग करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। अब बोट नेक की शेप दे देंगे। मार्किंग कर ली है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है, अब बैक नेक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को टू लेयर में फोल्ड कर लिया है। फोल्डेड साइड से सेम नेक 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, नेक लेंथ 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और नेक की राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से मार्किंग कर ली है, अब एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। गाउन के टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है, अब गाउन के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। मैंने 3.5 मीटर का ब्रोकेट फैब्रिक लिया है। अब इसको ओपन करेंगे और इसको टू लेयर में फोल्ड कर लेंगे। दूसरी साइड फोल्डेड साइड है, अब इसमें से ये वाला पार्ट उठाएंगे और इसको ट्रायंगल की शेप में फोर लेयर में फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से ये फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है, फोर लेयर में है ये। अब इसके ऊपर गाउन का टॉप पार्ट रखेंगे, फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट सेट कर लेंगे, दोनों साइड मार्किंग करेंगे। अब टॉप पार्ट को हटा देंगे, कॉर्नर पर टेप रखेंगे और राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ 38 इंच पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 38 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे।
आपके बॉटम पार्ट की जितनी भी लेंथ है उसी अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लें। गाउन के बॉटम साइड मार्किंग कर ली है, अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट के दोनों साइड मार्किंग कर ली है, अब इसकी कटिंग करेंगे। पहले टॉप साइड से इसकी कटिंग करेंगे, जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे, अब बॉटम साइड से इसकी कटिंग करेंगे, जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे, गाउन के बॉटम पार्ट में जॉइंट लगेगा। साइड से बचे हुए फैब्रिक को, हाफ इंच फैब्रिक को गाउन के फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, वो सिलाई में जाएगा। अब इसकी मार्किंग करेंगे, नीचे वाले फैब्रिक को फील करते हुए उसकी सेम मार्किंग कर लेंगे ऊपर। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। साइड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अब इसकी कटिंग करेंगे, जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे, फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा था तो गाउन के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर ली है। अब इनर की कटिंग करेंगे, मैंने 3 मीटर का सिल्क का इनर फैब्रिक ले लिया है। पहले हम इसके गाउन के टॉप पार्ट के इनर की कटिंग करेंगे, फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर लेंगे, ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसके ऊपर गाउन के टॉप पार्ट का बैक वाला पार्ट रखेंगे, फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे और इसके साइड से मार्किंग कर लेंगे। अब टॉप पार्ट को हटा लेंगे, अब एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। पहले यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे, अब आर्मोल साइड से इसकी कटिंग करेंगे, अब शोल्डर साइड से इसकी कटिंग कर देंगे। दोनों फैब्रिक के बीच में जॉइंट आ गया, इसको कट कर देंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा था तो इनर के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर ली है। इस एक पार्ट को हटा लेंगे, पहले वाले पार्ट को फोल्ड कर लेंगे एज इट इज। अब इसके नेक की कटिंग करेंगे, जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। इनर पर नेक की कटिंग भी कर ली है, अब दूसरे इनर को सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और आर्मोल पर और नेक पर इसकी मार्किंग करेंगे एज इट इज। अब मेन फैब्रिक को हटा लेंगे, अब एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। आर्मोल साइड से भी इसकी कटिंग कर देंगे, इनर पर फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है और इसके आर्मोल की भी कटिंग कर ली है। बचे हुए फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है, ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसमें से ये वाला कॉर्नर उठाएंगे और फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। इसमें से गाउन के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे, इसके ऊपर गाउन के बॉटम पार्ट का मेन फैब्रिक रखेंगे और इसके साइड से मार्किंग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक को हटा लेंगे, अब इनर की लेंथ की मार्किंग करेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ 38 इंच पर मार्किंग करी थी तो इनर पार्ट की लेंथ 1 इंच कम पर मार्किंग कर लेंगे, यानी 37 इंच पर इनर पार्ट की लेंथ ले लेंगे। मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 37 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इनर के दोनों साइड मार्किंग कर ली है, अब एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। पहले टॉप साइड से इसकी कटिंग करेंगे, अब बॉटम साइड से इसकी कटिंग करेंगे।
दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। इनर के बॉटम साइड भी ज्वाइंट लगेगा, तो दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से नीचे वाले फैब्रिक को फील करते हुए ऊपर की साइड मार्किंग कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे राउंड शेप में। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया था, तो इनर के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। पहले मार्जिन की मार्किंग 1 इंच पर कर लेंगे। इसको स्टिचिंग करते टाइम फोल्ड कर देंगे। सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मार्किंग पर टेप रखेंगे और स्लीव्स की रेडी लेंथ 14 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड भी 14 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ओपन साइड से आर्म होल साइड से ओपन साइड से 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और स्लीव्स के आर्म होल की शेप दे देंगे एस शेप में, इस तरीके से। अब मार्किंग से आगे की तरफ 5 इंच पर मार्किंग करेंगे, जितना टोटल फैब्रिक मैंने ले लिया है पफ स्लीव बनाने के लिए। ऊपर से आर्मोल तक मेजरमेंट करेंगे, टोटल 11 इंच, और उसके हाफ इंच पर 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरीके से राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। बॉटम साइड से स्लीव्स की विड्थ 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2 इंच मार्जिन की मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्रॉस में, और फिटिंग की मार्किंग भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। पफ स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। पहले मार्जिन वाली मार्किंग से इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब आर्मोल साइड से इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे और सेंटर में कट लगाएंगे और इसकी फिटिंग की साइड भी कट लगा देंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग कर ली है और इसमें इस तरीके से प्लेट्स डाल देंगे और इसको रेडी कर लेंगे। अब इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। गाउन के टॉप पार्ट को राइट साइड से रख लिया है और उसके ऊपर इनर फैब्रिक रख लिया है। अब इसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए नेक के ऊपर सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए नेक के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, जिससे नेक इजली फोल्ड हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। सेम तरीके से इसके बैक नेक पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब इनर को दूसरी साइड टर्न करेंगे। अब नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। चारों साइड सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। फ्रंट नेक को रेडी कर लिया है और इसके दोनों साइड सिलाई लगा लिया है। सेम तरीके से गाउन के टॉप पार्ट के बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड रखेंगे और शोल्डर पर सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। दोनों के शोल्डर अटैच कर लिए हैं और गाउन के बॉटम पार्ट को उल्टी साइड से रख लिया है। इसके ऊपर इनर रखेंगे। अब दोनों पार्ट के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। सेम तरीके से इसके दूसरे पार्ट पर भी इनर अटैच कर लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है। अब गाउन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट को राइट साइड से रख लिया है, उसके टॉप पार्ट को उल्टी साइड से रख लिया है और सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए गाउन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। सेम तरीके से इसके बैक पार्ट के टॉप और बॉटम को भी अटैच कर लिया है। गाउन के दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब एज इट इज सिलाई लगा देंगे। अब पफ स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। इस तरीके से इसमें प्लेट्स डालेंगे और इसको पिनअप कर लेंगे। इस तरीके से प्लेट्स डालते जाएंगे और इसको पिनअप कर लेंगे।
दूसरी साइड से भी प्लेट डालेंगे और इसको पिनअप कर लेंगे। दोनों साइड से प्लेटों का मुंह आमने सामने करेंगे, इस तरीके से सारी प्लेट्स बना लेंगे और उसमें पिन अटैच कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरे स्लीव्स में भी प्लेट्स डालेंगे। अब एज इट इज इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। पिन्स को निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। दोनों पफ स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब दोनों स्लीव्स को इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। दोनों स्लीव्स के ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स के ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब दोनों स्लीव्स को राइट साइड से टर्न कर लेंगे। गाउन को उल्टी साइड से रख लिया और स्लीव्स को राइट साइड से रख लिया है। सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और सिलाई लगा देंगे। गाउन पर दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है और रेडी कर लिया है। अब इनर को फोल्ड करेंगे, हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। इनर को फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है। और अब गाउन के मेन फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। मैंने 2 इंच डबल फैब्रिक ले लिया है, स्ट्रेट स्ट्रिप। गाउन को राइट साइड से रख लिया और इसके ऊपर स्ट्रिप रखेंगे और सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। गाउन के बॉटम साइड स्ट्रेट स्ट्रिप अटैच कर लिया है। अब स्ट्रेट स्ट्रिप को दूसरी साइड फोल्ड करेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। गाउन को बॉटम साइड से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है और फाइनली गाउन बन के रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।